स्वास्थ्य पोषण शिविर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर क्षेत्र के शेखपुर पिपरी प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य एवं पोषण मेला का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय महिला व पुरुष भारी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी वागीश शुक्ला शिविर आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, अबू तलहा अंसारी। वो को पाने में सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप सब लोग इस स्वास्थ्य मेले में आगे आए बढ़ चढ़ करके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बताया है कि किसी भी देश का भविष्य कौन होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारी बच्चियां हैं, देश की भविष्य है, उसके बारे में। उसमें से 2 साल से लेकर 18 साल तक की बच्चों की संख्या लगभग 12 करोड़ है, उसमें से 8 करोड़ बच्चे हमारे गांव से आते हैं। एक सर्वे के हिसाब से इन 8 करोड़ बच्चों में से 6 करोड़ बच्चे हमारे कुपोषण मलन्यूट्रिशन पाए जाते हैं। कुपोषण मलन्यूट्रिशन का मतलब एज के हिसाब से जितना लंबाई वजन होना चाहिए, जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, उतना नहीं पाया गया। जब ये हीमोग्लोबिन और खून की कमी पाई जाएगी, वजन की कमी होगी, तो बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा डेवलप नहीं होगा, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होंगे। जब बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमारे गाँव के लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या वजह है कि हमारे गांव के बच्चे कुपोषण पाए गए? तो सबसे बड़ी वजह ये रही कि हमारे बच्चों के पेट में कीड़े पाए गए, जिस कीड़े की वजह से बच्चे खून पी जाते, बच्चों को भूख नहीं लगती है और ज्यादातर बच्चे कुपोषण हो जाते हैं। तो इसमें देखा गया क्या वजह है कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े बहुत ज्यादा पाए गए, तो ये मालूम चला कि हमारे बच्चे गांव के बच्चे साफ सफाई से नहीं रहते हैं, जिन्हें धुले हुए हाथ से खाना खाते हैं, शौचालय से आते हैं तो हाथ बिना धुले खाना खाते हैं। तो जिससे बहुत बड़ी वजह है कि हमारे बच्चों में कुपोषण की वजह यही है कि सबसे ज्यादा है कि साफ सफाई ना होना।